तो चलिए जनाब, आखिरकार काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज से केवल दो दिन के बाद साउथ कश्मीर के अंदर यानी कि फर्स्ट फेज की वोटिंग होने वाली है। और सीधे आपको ले चलते हैं साउथ कश्मीर। ये तस्वीरें जो आप मेरे साथ में देख रहे हैं, एसएसपी कुलगाम की हिदायत पर एसपी नेशनल हाईवे मुमताज भट्टी, केपीएस डीवाईएसपी राजेश और एसएचयू खुशब माइकल की प्रेजेंस में इस वक्त लगातार सिक्योरिटी चेकिंग की जा रही है। नाके तैनात किए जा रहे हैं। नाके ऑलरेडी तैनात किए गए थे कोयमू के अंदर, खुडवानी के अंदर, वानपू से नेशनल हाईवे और कई सारे इलाकों पर इस वक्त लगातार चेकिंग की जा रही है ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे और किसी भी तरीके की कोई भी ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, उसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम तैयार है। और इस वक्त करंटली अगर देखा जाए पुलिस स्टेशन कोयमू की जो जुरिडिक्शन है वहां पर भी लगातार चेकिंग जारी है। और ये चेकिंग केवल इस चीज के लिए की जा रही है कि जो फर्स्ट फेज की वोटिंग होने वाली है 18 को, यानी कि फर्स्ट फेज के अंदर वोट डाले जाएंगे जिसमें साउथ कश्मीर के भी जो है हिस्से आ रहे हैं। और खसूसी तौर पर कुलगाम की अगर बात करें वहां पर ये मेरे साथ में अब तस्वीरें देखे साफ तौर पर कि किस तरीके से खसूसी तौर पर कुलगाम पुलिस की टीम, जिसमें आपको साफ नजर आ रहे होंगे कि कंसर्न एसएचओ खुशब माइकल, डीवाईएसपी राजेश और उसके साथ साथ में एएसपी नेशनल हाईवे मुमताज भट्टी, जेकेपीएस जो है उनकी प्रेजेंस में किस तरीके से गाड़ियों को चेकिंग की जा रही है, किस तरीके से बाकी थ्री व्हीलर्स को चेकिंग किया जा रहा है और पूरी तरीके से नाका जो नाके तैनात किए गए हैं उनको किस तरीके से अलर्ट किया जा रहा है और हर एक गाड़ी को, हर एक थ्री व्हीलर फोर व्हीलर को चेक किया जा रहा है ताकि पूरी तरीके से इस इलेक्शन में किसी भी तरीके का कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो या कोई भी ऐसी चीज बाकी ना रह पाए जिसकी वजह से कोई भी इफेक्ट जो है आने वाले फर्स्ट फेज के वोटिंग पे या इलेक्शन पे होने वाली है। ये तस्वीरें आप देखे सीधे आपको साउथ कश्मीर के कुलगाम से दिखा रहे, कोयमू, खुडवानी, वानपू इलाके से ये सीधे तस्वीरें हैं।